हेलो डियर्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ SGPGA, यहाँ पे रिसेंटली एग्ज़ाम भी हुए थे और वापस वैकेंसी भी आई है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, कब तक फॉर्म फिलअप करना है, पूरी टोटल प्रोसेस का अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की बुक परचेस करने के लिए नीचे जो लिंक है इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं वैकेंसी का अपडेट का। रिक्रूटमेंट आया वो CRT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है, जिसको CRT एग्ज़ाम कहते हैं या CBT एग्ज़ाम बोल सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट कब है, 25 तक, ये आपकी फॉरम की डेट है। उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.sgpjms.org.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अपन बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ पहले पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स था, अभी वहाँ पर भी पोस्ट का नाम नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, न्यू पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। तो अपन बात करते हैं वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की, जो नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी कम से कम 1000 के अराउंड। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर रहेगा और आपको फॉर्म फिलअप करते समय एक बार जरूर ध्यान रखनी है कि उसके अंदर मोबाइल नंबर और मेल आईडी वही डालने जो आपके ऑन है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आए तो दिक्कत नहीं होए। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी, टोटल 905, जिसके अंदर फीमेल्स के लिए इस 905 में 20% अलग से रिजर्वेशन है, ऐसे ओरिजिनल रिजर्वेशन है। तो SC के लिए 195, ST के लिए 19, OBC के लिए 243, EWS के लिए 90, UR के लिए 362 और टोटल 905। अब 20% समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, 191 का मतलब 20% मतलब SC की 38 सीट फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेगी। अब अपन आगे के लिए बात करते हैं, ये नंबर ऑफ पोस्ट डिस्कस हो गया। अब फॉरम की फीस कितने रहने वाली, फॉरम की फीस UR की 1000, OBC की 1000, SC ST की 600 प्लस GST अलग से लगेगा 18% GST, तो ऐसे मिलाकर 1200 के लमसम UR की रहेगी और 1200 के लमसम OBC की रहेगी और 700 के लमसम SC ST रहेगा। अब यह रहता फॉरम का डिस्कशन। अब मेजर जो डिस्कस करेंगे वो मेजर डिस्कस क्या करेंगे, मेजर डिस्कस करेंगे भी कॉल लेटर और आपको मेल करेंगे, मेल किया जाएगा आपको, मतलब पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, तो वही डालना है आईडी और पासवर्ड, या वही मेल आईडी डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके ऑन है, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पोस्ट बेसिक वाला अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं GNM वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेड का। जो क्वालिफिकेशन एम्स का है सेम टू सेम क्वालिफिकेशन इसका भी है। अब बात करते हैं ये दूसरा गजेटेड ऑफिस नॉन गजेटेड के लिए, फॉरम के फीस का डिस्कस हो गया। एज क्राइटेरिया कितने रहने वाला, 18 साल मिनिमम और 40 ईयर्स मैक्सिमम, और इसके अंदर भी ST SC OBC को 5 ईयर का एज रिलेक्शन है, मतलब ST SC के कैंडिडेट 45 ईयर तक फॉरम फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे का डिस्कस करेंगे। आगे मेजर डिस्कशन हो गया है, एग्ज़ाम होगा CRT कंप्यूटर थ्रू एग्ज़ाम होगा और उसका टेस्ट सीरीज भी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज बहुत जल्दी ले आएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो नीचे वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर सकते हो। अब आगे का डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। SGPGA का सिलेबस टोटली सिलेबस रहेगा, 2 आवर का टाइम पीरियड रहेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जो 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया होगा, 60 नंबर नर्सिंग का रहेगा, 10 नंबर इंग्लिश का रहेगा, 10 जनरल नॉलेज का, 10 रीजनिंग का और 10 मैथमेटिक्स का, और सेम टू सेम ये सिलेबस मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज के अंदर भी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, और इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना रहेगा, 50% जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज में भी ये रहता है, और 45% ST SC के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सर स्किल टेस्ट होगा नहीं होगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, अदर जो पोस्टेज है स्टेनोग्राफर है LDC है PA है उन लोगों के लिए स्किल टेस्ट होगा,
अपने लिए नहीं होगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं होगा, ये मेजर डिस्कस था। तो इसमें आपका ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि फोर्थ ईयर वाला अप्लाई कर सकता है, फोर्थ ईयर वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी चाहिए। तो आपके बेसिक क्वेश्चन एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ, फोर्थ ईयर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है 18 to 40, क्या ST SC OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों इसकी तैयारी के लिए मिशन है, नर्सिंग क्लासेस की बुक्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो बुक ऑर्डर भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नॉन टेक का सिलेबस है जैसे मैथ रीजनिंग GK हिंदी ऐसा दे रखा है, तो मिशन है नर्सिंग क्लासेज की नॉन टेक की बुक 15 तारीख तक सेकेंड एडिशन आ जाएगा, जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, 15 जनवरी को बुक्स आ जाएगी, तो बुक ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।